कि राजस्थान के माउंट आबू से खबर है बड़ी, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से करीब 2000 टूरिस्ट फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि रास्ता साफ होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। अभी सड़क पर लैंडस्लाइड की वजह से माउंट आबू का राजस्थान के दूसरे शहरों से कनेक्शन टूट गया है पूरी तरह। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। अजय, क्या हालात अभी बने हुए हैं वहाँ? देखिए बताऊँ, सुबह 3:30 बजे चट्टान खिसक करके और गिर करके मेन रोड पर आ गई। सिंगल रोड है वो, और 2000 पर्यटक उसके ऊपर थे। 4 दिन से लगातार वहाँ बारिश हो रही थी। कल की तारीख में करीब 30 इंच, जिसको कहें 750 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से चट्टान खिसक करके सड़क पर आ गई। पर्यटक अब ना आ सकते ना जा सकते, और जो जाने वाले पर्यटक हैं उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सिंगल रोड है और चट्टान ने पूरा रास्ता बाधित कर दिया है। तो इसको लेकर के जो ऊपर फंसे हुए हैं ऊपर ही है, और जो नीचे जाने वाले हैं उनको मना कर दिया गया है कि जब तक चट्टान नहीं खिसक जाती, क्योंकि उसको ऊपर हटाने में भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल रोड है, उसको हटाने करने में प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन अभी कम से कम 4 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही यातायात सुचारू हो जाएगा। जब तक ये नहीं हटती है तब तक मान करके चले यातायात बाधित ही रहेगा, और इसका पूरा संपर्क टूट चुका है। नीचे आबू है, और आबू से माउंट आबू का जो रोड है ये करीब 15 किलोमीटर का रहता है, ट्रैक रहता है, और सिंगल रोड है, इसकी वजह से पूरे पर्यटक परेशान है। और राजस्थान बता दें कि माउंट आबू एक मेन पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है। माउंट आबू दूसरे इलाकों से पूरी तरीके से इसका संपर्क टूट गया है। 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, और अब यहाँ पर जो है रेस्क्यू वो भी शुरू हो गया है। हालांकि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं रास्ता खोलने में, ऐसी भी खबर आ रही है। शुक्रिया आपका जय, तमाम अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।